माननीय मुख्यमंत्री जी हम साथ ही जा रहे हैं, उसमें तो कार्यक्रम है ही, उसमें तो साल होता रहा निकलना क्या, देश में ही रह करके सब काम को करना है, यही ना रह करके सब लोगों को गोलबंद करना है। जो बिहार में हुआ वही देश में हो जाए, तो कहीं लोग बीजेपी एंटी टिकने वाला नहीं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज अधिवेशन भवन पहुंचे थे, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। कार्यक्रम राजस्व एवं भूमि सुधार का था, जिसमें जो लोग नियुक्त हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र दी जा रही थी। नियुक्ति पत्र देने के बाद जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बाहर निकलते हैं और जब उनसे सवाल किया जाता है कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेके जो तैयारियां हैं, जो विपक्ष को गोलबंद की जा रही है, तमाम विपक्ष को एक साथ लाने की जो कवायद है उसमें कितनी ज़्यादा भूमिका आपकी रहेगी, तब उस पर उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कड़ी में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और तमाम विपक्ष की पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं और हम भी उनके साथ तमाम विपक्ष के पार्टियों से मुलाकात करेंगे, विपक्ष के पार्टियों के जो नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केंद्र से हटाना है, क्योंकि देश का विकास पूरी तरह से रुक चुका है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ कहती है करती कुछ नहीं है, रोजगार की बात हो या फिर अन्य मुद्दे हो, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी को हटाएंगे। क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव सुन लेते हैं। तो हमारे पिता का पुराना ताल्लुक रहा, सब लोग एक ही दल में रहे, बल्कि हमारे पिता के नेता भी रहे हैं देवीलाल जी, और हमारा वर्षों का संबंध रहा है। तो उस कार्यक्रम में हम लोगों को बुलाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम साथ ही जा रहे हैं, उसमें तो कार्यक्रम है ही, उसमें तो साल होता रहा। नहीं, हम लोगों का एक ही मकसद है निकलना क्या, देश में ही रह करके सब काम को करना है, यही ना रह करके सब लोगों को गोलबंद करना है। जो बिहार में हुआ वही देश में हो जाए, तो कहीं लोग बीजेपी एंटी टिकने वाला नहीं। सर, अभी 23-24 को और जेडीयू की तरफ से बोला जा रहा है कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। जेडीयू नहीं, पूरा बिहार जान रहा है कि उनका मकसद क्या है, तो ये बताने की जरूरत है। उनका नाम सुनते ही देश भर में ये चर्चा तो हो ही ना जाती है कि भाई उनका क्या काम है। तो सुना आपने, सीधे तौर पे तेजस्वी यादव का कहना है कि 2024 के लिए तैयारियां अभी से हो चुकी है और मैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों साथ में तमाम विपक्ष के जो नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और इस कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली भी गए थे और फिर से हम जब दिल्ली जाएंगे तो सभी विपक्ष के जो नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे और कैसे 2024 की जो रणनीति है उसको लेकर तमाम चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। बहरहाल बने रहे लाइव बिहार के साथ, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।